सोनाक्षी छीना छीन नहीं कह सकते, तुमने बहुत सारा धन राशि उस महिला को मिलना मिलने वाला था, लेकिन तुमने छीना। सोनाक्षी छी का परफॉर्मेंस का ले रही बहन जी। ओह नो, कल के कौन बनेगा करोड़पति में? अरे वो कौन बनेगा करोड़पति है बच्चन साहब का, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का के भाई करोड़पति नहीं, जो बाप का नाम लेके घुस गई। कुछ तो नॉलेज होना चाहिए था, पूरे देश ने कल तुमको एक्नॉलेज किया कि तुमको एक नॉलेज नहीं है। अरे इतना आसान सवाल पूछा गया था तुम्हारा से कि ये बताओ कि भुजंग आसन में भुजंग कौन है, अजगर है, सांप है या ऊंट है, या एक ऑप्शन और भी था, तो तुम तो ऊंट कहने वाली थी। माँ कसम जब तुमने ऊंट कहने का फैसला किया तो मेरे दिल से एक ही विचार आया कि इसको बोलो ऊंट, ऊंट यहाँ से। तुम तो सूट नहीं करता बहन जी, कुछ तो नॉलेज लेकर जाना चाहिए था, फिर एक बार साबित कर देगी पहलवान की जो बॉडी होती है उसमें दिमाग नहीं होता है। फालतू बात की। एक और सवाल आपसे बहुत ईजी पूछा गया था कि रामायण में हनुमान जी, हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? आपको उसका जवाब नहीं पता जबकि आप पैदा ही रामायण में हुई। जी हाँ, आपके बंगले का नाम रामायण है, आपके परिवार में पूरे रामायण के नाम के लोग घूमते हैं, लव कुश राम लखन भरत शत्रुघ्न ये सब घूमते हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं दे पाए इसका जवाब कि हनुमान जी केकरा के खातिर लाए थे संजीवनी बूटी। अरे बूटी पार्लर से निकलो, रामायण महाभारत के बारे में जानो। हम तो तुम समझाने के लिए तुम्हारे घर पे आने वाले थे लेकिन वाल्मीकि ने रोक दिया, तुम्हारे दरवाजे का जो बंगले का जो वॉल है बहुत लंबा वॉल है, तो नॉलेज रखा करो हीरोइनों। सज सवर के सुंदर तो बहुत अच्छी लगती ही आप, अच्छी बात है, बट ब्यूटी विथ ब्रेन रहेगी तो कौन खराबी है? भेजा ऊपर वाले कि भेजा कि नहीं भेजा? अब तुम्हारा भी कसूर नहीं है भाई, जो आदमी जो महिला देश के शत्रु को, भारत के शत्रु को अपना बाप मानती हो, उससे हम इसी टाइप का उम्मीद कर सकते हैं। केबीसी का मतलब कल हमारी नजर में रहा, खामोश बैठो छोरी, केबीसी खामोश बैठो छोरी। नॉलेज बढ़ाओ।